उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद अधिकारियों ने क्षेत्रों का जायजा लिया है, जिसके बाद रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी गई। वहीं भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने बारिश के दौरान पुख्ता इंतजाम किए हैं। जहां जहां बारिश से नुकसान हुआ वहां अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आपदा प्रभावितों को सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आपदा प्रभावितों का क्षेत्र का तत्काल निरीक्षण कर प्रभावितों को राहत दी है और चेक भी वितरित किए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। समझता हूं कि जितने लोगों के घरों में पानी घुसा या इस प्रकार की कोई दिक्कत आई, पहले तो आप जानते हैं मैं गया भी उनके क्षेत्रों में, घर घर गया था मैं, और सभी लोगों को जहां जहां जिस प्रकार की परेशानी आई उनको ठीक करने का काम किया, उनको राहत देने का काम किया, उनको भोजन पानी अन्य व्यवस्थाएं उस दौरान हमने देने का काम किया। लेकिन उसके बाद जैसी बारिश रुकी, लगातार हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो SDM होंगे, चाहे तहसीलदार होंगे, चाहे पटवारी होंगे, वो हर प्रभावित व्यक्ति की जांच आख्या उन्होंने कर ली है। लगातार उनको हम लोग जो हैतुक राशि है वो दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या है उन लोगों की, प्रभावित लोगों की, और लगातार वो चेक जो है उनको दिए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे इस प्रकार के लोग हैं उनको जो परेशानी है उससे हम लोग जो सरकार की जो मंशा है उसको हम पूरी तरह से मदद कर सकें।